मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एमिटी कॉलेज में एक छात्रा के साथ रेप हुआ। कॉलेज की पार्किंग में रेप का आरोप है। आरोपी की महिला मित्र पर भी केस दर्ज हुआ है। महिला मित्र ने आरोपी की मदद की, ये घिनौनी बात भी सामने आई। पुलिस ने दोनों पर अब केस दर्ज कर लिया है। महाराजपुरा थाना क्षेत्र लगता है जहां ये वारदात हुई है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमिटी कॉलेज में एक छात्रा के साथ रेप हुआ, उसकी दोस्त भी इसमें इन्वॉल्व बताई गई। कॉलेज की पार्किंग में रेप का आरोप है। आरोपी की महिला मित्र पर केस दर्ज हुआ है। बताया गया कि आरोपी की मदद उसने की रेप करने में। पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया है। महाराजपुरा थाना क्षेत्र की वारदात है। उसकी सीनियर एक थर्ड ईयर की छात्रा उसे विश्वास में लेके अपने गाड़ी में बैठा के ले गई, साथी से उसको मिलवाया और उसने कुछ खाने की चीज दी और पीने की चीज दी, नशीली चीज, जिससे उसको होश नहीं रहा और उसके साथ में दुष्कर्म किया। उसकी रिपोर्ट पर से दोनों को बुद्ध दुष्कर्म का अपराध व आपराधिक षड्यंत्र का अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण में विवेचना की जा रही है, टीम बनाई गई है। और इस वक्त हमारे सहयोगी महेंद्र सिंह कुशवाहा जुड़ गए ग्वालियर से, सीधे उनका रुख करते हैं। महेंद्र, एक दोस्त ने, महिला मित्र ने मदद की रेप करने में, अपनी दोस्त के साथ दुष्कर्म, किसी को कैसे गवारा हो सकता है? क्या पुरानी रंजिश थी, क्या मामला है, पूरा समझाएं जरा। जहाँ पर एक चीज फर्स्ट ईयर की छात्रा थी, अपने कॉलेज प्रांगण में बैठी हुई थी और वहाँ पर जो की उसका जो थर्ड ईयर की छात्रा दोस्त थी, जो की उसके वहाँ उसे बातों में बैठा, अपने बातों में ले जाकर अपने कार में बैठाकर अपने साथ पार्किंग में, जो कॉलेज की पार्किंग थी वहाँ लेकर पहुंची थी, जहाँ पहले से मौजूद जय सिंह नाम का जो युवक छात्र था वहाँ मौजूद था। और उस दौरान उसने वो छात्रा को, पीड़ित छात्रा को कुछ खाने पीने की चीजें दी। उसके बाद वहाँ बेहोशी से उसे छाने लगी, तो उसके बाद उसने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जब उससे होश आया तो उसे महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं उसके साथ गलत हुआ है और उसके बाद उसने थाने में जाकर शिकायत की है। पुलिस ने जिस मामले को पीड़िता की शिकायत पर तत्काल उसने जो छात्र जय सिंह उसके खिलाफ और उसके सहयोगी जो छात्र दोस्त है, जो दूसरे छात्र दोस्त है, उसके खिलाफ मामला दर्ज किया। हालांकि दोनों अभी फरार हैं। पुलिस का कहना है दोनों को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके जांच में जो भी पकड़े जाने के बाद ही पता हो सकेगा कि उन्होंने इस तरह की वारदात को क्यों अंजाम दिया, क्या वजह की रही, क्या इसमें कोई लापरवाहियां सामने आई, क्योंकि परिसर बताया गया कॉलेज का, पार्किंग बताई गई कॉलेज की, सेफ्टी को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर क्या कोई शिकायत सामने आई है? बिल्कुल, जिस तरह से ये बता दूं कि जो एक कमेटी कॉलेज होती है, प्रतिष्ठित एक कॉलेज है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था से यहाँ कहीं ना कहीं इस वारदात के बाद कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है, क्योंकि जो कॉलेज के अंदर सुरक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी कई कैमरे भी होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी इस घटना को अंजाम अगर दिया गया तो कहीं ना कहीं इस पर सवाल खड़ा होता है कि कॉलेज में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है। देखते हैं क्या इस पर अब आगे कोई एक्शन होता है। आप नजर रखिएगा, वापस आपसे अपडेट हम लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।